राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणी की हत्या को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला ने श्याम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि तहरीर में अशोक गहलोत और राजस्थान के डीजीपी का जिक्र भी किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि सुखदेव सिंह अशोक गहलोत की सरकार में 2 साल से सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को देर रात उस समय समाप्त कर दिया गया जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ये बताया कि पुलिस ने 72 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया है। फिलहाल इसके साथ ही उन्होंने श्याम नगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के डीजीपी का जिक्र किया गया है। सुखदेव सिंह की पत्नी शीला की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि उनके पति सुखदेव सिंह बीते 2 साल से अपनी सुरक्षा के लिए अशोक गहलोत की सरकार से सिक्योरिटी की डिमांड करते रहे, लेकिन जानबूझकर उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। इसके साथ ही इस एफआईआर में पंजाब पुलिस, एटीएस समेत कई और लोगों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दोपहर के वक्त कुछ लोग सुखदेव सिंह से मिलने पहुंचे थे, जिस दौरान सुखदेव सिंह उन सभी से मुलाकात कर रहे थे, तभी अचानक ही उन लोगों ने बंदूक निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके कारण उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। सुखदेव सिंह की पत्नी का आरोप है कि सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से ही उन पर ये हमला हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के शव का सवाई मान सिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद आज उनके शव को जयपुर के राजपूत भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जिसके बाद सुखदेव सिंह का शव सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव गोगामेड़ी ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।